वालेकुम वेलकम टू माय चैनल देखिए गार्लिक लेली के ऊपर दोबारा से फ्लावरिंग होना शुरू हो गई है पहले जितनी सारी स्टॉक इसके ऊपर निकली हैं और जैसे ही बारिश हुई है तो दोबारा से इसके ऊपर जो है वो फ्लावर्स आना शुरू हो गए हैं तो इस तरीके से सारे मे सन रोज़ के ऊपर भी फ्लावर्स खिल रहे हैं और आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है आज मैं आपके साथ एक फर्टिलाइज़र शेयर करूंगी जिससे आपके प्लांट की जो पत्तियां हैं इतनी तेज़ गर्मी में भी लश्क्रीन रहेंगी और चमकदार होंगी आप देख सकते हैं मेरे प्लांट की पत्तियाँ सभी प्लांट्स की कितनी लश्क्रीन और चमकदार हैं तो ऐसा कौन सा फ़र्टिलाइज़र मैं अपने प्लांट्स को देती हूँ तो वही आज आपके साथ शेयर करूँगी तो आप भी अपने प्लांट्स को ये फ़र्टिलाइज़र दे सकते हैं बिल्कुल फ़्री का फर्टिलाइज़र है और एक ही दिन में बन जाने वाला फ़र्टिलाइज़र है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं इस वीडियो में मैं आपके साथ जो फ़र्टिलाइज़र शेयर करूंगी उसको आप अपनी वेजिटेबल्स में भी दे सकते हैं और फ्रूटिंग प्लांट में भी दे सकते हैं जिससे आपके प्लांट के ऊपर फ्रूटिंग भी होगी और फ्लावरिंग भी होगी तो प्लांट मेरे आप देख सकते हैं कितने लश्करीन हो रहे हैं और पत्तियाँ है इनकी कितनी लश्करीन और चमकदार हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे प्लांट जो हैं वो काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ये फर्टिलाइज़र मैंने जो है कॉडंग और ये आपको नज़र आ रहे होंगे उस वेजिटेबल के छिलके और साथ में इसमें मैंने वो डैश डाली है ये आप देख सकते हैं ये सब्जियों के छिलके हैं जो हमारे प्याज़ के छिलके आलू के छिलके या इसी तरीके से फ्रूट पील्स जो निकलते हैं वो सारे मैंने इसमें डाले हैं और एक दिन के लिए मैंने इनको छोड़ दिया है तो ये आप देख सकते हैं सारा जितना भी असर था वेजिटेबल का वो सारा इसमें आ चुका है ये काव डांग है साथ और साथ ही जो है हमारी वो डैश है जो लकड़ी की राख होती है वो डाली है मैंने अगर आपके पास वो लकड़ी की राख नहीं है तो आप उपले की राख भी ले सकते हैं कोई भी आपके पास राख हो आप उसको ले सकते हैं और ये आप इनको 24 घंटे के लिए पानी में डिप करके रखिए उसके बाद ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी और आपने इसको अपने जो नॉर्मल टैप वाटर होता है उसमें आपने इसको डिज़ोल्व करके अपने प्लांट्स में देना है अपने प्लांट के अकॉर्डिंग तो इसको मैंने डिज़ोल्व कर लिया है मैं आगे आपको दिखाती हूँ तो यहाँ पे मैंने इस पानी में इसको डिज़ोल्व कर लिया ये मैंने एक मग जो है फर्टिलाइज़र का लिया था और ये नॉर्मल टैप वाटर है इसमें मैंने इसको डिज़ोल्व कर लिया आपने डायरेक्ट बिल्कुल भी नहीं देना क्योंकि डायरेक्ट देने से जो हमारे प्लांट बर्न हो सकते हैं तो आप देख सकते हैं ये मेरा पानी जो है ये इसमें नॉर्मल पानी में मैंने इसको डिज़ोल्व किया है और ये अब लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है वो बिल्कुल रेडी है ये आपके प्लांट्स की पत्तियों में चमक पैदा करता है ये और अपने आपके प्लांट्स की जो एनर्जी है उसको बूस्ट करता है फास्ट ग्रोथ करने में हेल्प करता है ये फ़र्टिलाइज़र क्योंकि आपको पता ही है वेजिटेबल्स में जितने भी हमारी जो अनियन पील्स हैं या पोटैटो पील्स हैं उसमें जितना भी पोटाश होता है वो तो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है जो लकड़ी की राख होती है हमारी मिट्टी में जो फंगस लग जाती है उसको दूर करती है और नाइट्रोजन जो होता है वो हमारे कॉडंग में होता है तो ये सारी चीज़ें मिल हमारे प्लांट्स के लिए एक बेनिफिशियल फ़र्टिलाइज़र बन जाता है और जो जो कि हमारे प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करता है तो इसको आप वेजिटेबल्स में दे सकते हैं अगर आपके फ्रूटिंग नहीं हो रही या फ्लावरिंग नहीं हो रही तो उसके लिए आप ये अपने प्लांट्स प्लाट्स में दे सकते हैं तो मैंने मैं अभी वेजिटेबल्स इतनी ग्रो नहीं की हुई लेकिन मेरे जो दूसरे प्लांट्स हैं उसमें मैं ये फ़र्टिलाइज़र देती हूँ और मुझे काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट मिले हैं और मेरे प्लांट्स जो हैं वो बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ कर रहे हैं जून की इतनी तेज़ गर्मी में भी मेरे प्लांट जो हैं वो काफ़ी अच्छे लश्कर ही हैं तो चलिए अब इस फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट्स में देते हैं और अपने प्लांट्स की नीड के अकॉर्डिंग आपने देना है बहुत ज़्यादा ओवर नहीं करना कि आपके प्लांट के बॉटम में से जो है ये सारा फर्टिलाइज़र निकल जाए उतना आपने देना है कि आपके प्लांट की जो मट्टी है वो अच्छे से फर्टिलाइज़र को एब्सॉर्ब कर ले। तो यहाँ पे ये सारे जितने भी मेरे प्लांट्स हैं इनको मैं दे दूँगी ये मेरी पर्सलिन लगी हुई है जो मैंने आपके साथ शेयर की थी ये मिंट है और इनको मैं सबको बारी बारी दे दूँगी तो बस आपने इतना ही देना है जितना आपके प्लांट्स की नीड हो उतना ही आपने फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स को देना है और कोशिश करिए कि आपके प्लांट्स की जो मिट्टी है हल्की नमी बनी रहे बिल्कुल ड्राई मिट्टी में देंगे तो आपके प्लांट जो हैं उससे भी बर्न हो सकते हैं बिल्कुल क्योंकि ड्राई मिट्टी जो है वो रूट्स जब ड्राई हो जाती हैं तो प्लांट्स हमारे ख़राब हो सकते हैं तो मेरे प्लांट्स की जो मिट्टी है वो अंदर से बिल्कुल नम है ऊपर की लेयर जो है वो आपको हल्की ड्राई लग रही है लेकिन अंदर से मिट्टी के अंदर नमी अभी मौजूद है तो इस तरीके से जितने भी प्लांट्स हैं मेरे मैं सब में दे दूँगी तो इस तरह आपने अपने प्लांट्स में ये फ़र्टिलाइज़र ज़रूर ऐड कीजिए आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे तो इन फिर मिलेंगे किसी और नए वीडियो के साथ किसी नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़